जनता की जवाबदेही को निर्वहन करना, ये हम लोग का दायित्व है। हम लोगों ने काफी आक्रोशित है पार्षद लोग, इन लोगों को समझाया है, बताया है कि शांतिपूर्वक काम करिए और कानून सम्मत हम लोग काम करिए। हम लोग परसों बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेंगे और यह स्पष्ट तौर पर किसी तरह का प्रतिस्पर्धात्मक हम लोग काम नहीं करते हैं, न करना चाहते हैं, न हमारी कोई मंशा है। कौन क्या बोलता है, कौन क्या कहा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी वीडियो क्लिप है, उस वीडियो क्लिप को भी बोर्ड में रखी जाएगी, उसमें जमादार और दूसरे दूसरे दल के, हम लोग निर्दलीय हैं, दल से हमारा कोई वास्ता और इलेक्शन उससे दलीय नहीं हुआ, हम लोग सब एक हैं, तमाम पार्षद लोग, और सब मिल करके वहाँ वीडियो क्लिप दिखाया जाएगा बोर्ड में। उसमें यह स्पष्ट बोली जा रही है कि डंटा से लोगों को मारा गया, गुमराह किया जा रहा है, लोगों को गालियां दी जा रही है कर्मचारी से। बात किसी दो व्यक्ति के बीच में है, उसमें दूसरे तीसरे आदमी का गाली देने का क्या सवाल उठता है। चौथा बात कि कल कहा जा रहा है कि उसमें डंटा से मारो, या पार्षद बन क्या होता है। तो संविधान के पद पर किसी को ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और हम इस पर तहकीकात करेंगे, जानकारी लेंगे और नगर आयुक्त को कानून सम्मत कार्रवाई के लिए लिखेंगे। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो तमाम पार्षद मिलकर के पूरे शहर को, गया शहर को चक्का जाम का, जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा, जब तक ये न्याय लोगों को नहीं मिलेगा, अगर इस तरह के लोकतंत्र में बना हुआ, संविधान में 74वां संशोधन में मिला हुआ अधिकार का, कानून का अगर हनन किया जाएगा, उसको जूता से पीसा जाएगा, तो हम लोग किसी भी हद तक लड़ाई लड़ने के लिए क्या नहीं।